तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि किस तरह अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके काले बालों को भी सफेद करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्यों जरूरी है कि आपका हेयर कलर एक नेचुरल हेयर कलर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट लीना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका इंडस वैली ब्यूटीफुल नेचुरली, सवाल आपका जवाब हमारे शो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से हमारे जाने माने हेयर केयर एक्सपर्ट कॉस्मेटिक साइंटिस्ट मिस्टर श्याम आर्य जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार लीना, ग्रेट प्लेजर, प्लेजर कमिंग हियर। तो सर शुरुआत करते हैं अपने पहले रिव्यू से। ये हमें भेजा है ईशा के जी ने, वो लिखते हैं एक्सीलेंट प्रोडक्ट। एक्सीलेंट प्रोडक्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कलर देयर वाज नो इरिटेशन ऑन द स्कैल्प। आफ्टर शैम्पूइंग एंड अप्लाइंग द हेयर मास्क, हेयर फेल्ट सॉफ्टर, स्कैल्प फेल्ट सॉफ्ट विद नो इचीनेस और इरिटेशन ऑफ एनी सॉर्ट। माय ग्रे हेयर कॉट द कलर वेरी वेल, हेयर फील्स हेल्दियर। दिस डेफिनेटली इज फार बेटर ऑप्शन फॉर हेयर कलर एज कम्पेयर टू द केमिकल बेस्ड हेयर कलर्स। This also far better than henna with indica leaves powder, no strong smell and guaranteed hair color. It looks like she was the user of probably henna or indigo together before, और अब उसने इस product को लिया है और उसे बिल्कुल वही सब effect मिल रहा है जो एक natural hair color से मिलना चाहिए। और इनका issue ये था शायद पहले कि ये पहले henna और indigo को लगाती थी जिसके अंदर बहुत time लगता था और उसको स्मेल भी अच्छी नहीं आती होगी होपफुली। और अब इसने इसी प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया जो कि 30 मिनट्स में उसका कलर भी दे रहा है और परफॉर्मेंस भी वही की वही आ रही है और स्मेल भी उसको अच्छी लग रही है ऑरेंज की, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि लोगों को उसके ऑरेंज फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आ रही है। यानी कि कलर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल के साथ गुड कलर। आज का हमारा दूसरा रिव्यू है सर, ये भेजा है हमें उर्मिला जी ने। वह लिखती हैं दिस कलर इज माइंड ब्लोइंग, I color my hairs, it gives my hair new life. I feel very soothing and calm fragrance when I applied on my hairs. It not contains any chemicals, parabens, ammonia and PPD. This hair color is 100% safe for all even sensitive skin. This hair color contains only natural and herbal ingredients. Yes, that's true. It doesn't contain any harmful ingredients. जैसे हम पिछली बार भी जिक्र किया था कि इसके अंदर कोई harmful ingredient नहीं है, ammonia, hydrogen peroxide या पैराफिनिलीन डायमिन या किसी तरह से पैराबेंस जो दूसरे लाइक शैम्पूज या मास्क वगैरह में मिलते हैं, उस तरह का भी कोई इंग्रेडिएंट नहीं है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। तो ऑफ कोर्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जो नेचर है वो तो कामिंग है एंड हेंस शी इज़ वेरी हैप्पी, इसीलिए किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती। That's why, yes. कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या चाहिए, और आप घर बैठे ही सैलून जैसा इफेक्ट पा सकते हैं। वही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन रिव्यूज के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए, इसकी जानकारी तुमने दी है, मैंने तो सिर्फ इनके ऊपर कमेंट किया। टच मी सॉफ्ट, कैरेस मी, ब्लेस मी विद ऑल ऑफ नेचर्स रैरिटीज, होल्ड मी टाइट, सेट मी फ्री। Indus Valley, new damage-free gel colors. तो सर जारी रखते हैं शो को और आते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक है, आई सी लॉट्स ऑफ हर पिक्चर ऑन द जेल कलर बॉक्स विच नो अदर हेयर कलर शोज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज हर्ब्स। इनका कहना है कि ये हमारे जेल के कलर बॉक्स पे काफी सारी हर्ब्स की पिक्चर देखते हैं और जानना चाहते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। बाकियों में कैसे होंगी हर्ब्स की पिक्चर, जब डालेंगे नहीं तो कहाँ से पिक्चर आएगी। कुछ डाले हर्ब्स डालते ही नहीं है वो उसके अंदर, वो फुल ऑफ केमिकल्स है जी।
एंड हैंस फोर्थ वो उसको पिक्चर दिखाते हैं। हमारे हेयर कलर के अंदर 8 हर्ब्स हैं टोटली। पहले मैं बात करूँगा कि ये हेयर कलर सिर्फ हेयर कलर नहीं है, हेयर कलर भी है और न्यूट्रिशन भी है। तो 8 हर्ब्स के साथ हेयर कलर विद न्यूट्रिशन। जैसे मैं पहले बात करूँ, अगर इसके अंदर आंवला है और हेना है तो जो कलरिंग में हेल्प करेगी, कलर को स्ट्रेंथन करेगी। ऑयल्स हैं, 3 ऑयल्स हैं इसके अंदर, वीजम ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। और ये तीनों हर्ब्स ऑयल्स क्या करते हैं, ये तीनों हर्ब्स हेयर फॉल को रोकते हैं और बालों को स्ट्रेंथन करते हैं। तो 3 ऑयल्स और 2 आंवला और हेना ने कलर दिया, इन्होंने उसको स्ट्रेंथन किया। और जो उसके बाद जो मेजर इसके अंदर आया कि ऑयल्स बासिल और ऑरेंज, ये 2 ऐसे ऑयल्स हैं, बासिल है और ऑरेंज है, ये फ्रेग्रेंस भी देते हैं, जिससे कि आपको हेयर कलर जब अप्लाई हुआ होता है हेयर के ऊपर तो वो बहुत अच्छा सूदिंग, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस आती है। एडिशनली एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज, तो डैंड्रफ को भी तो दूर रखता है और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी देता है जब ड्यूरिंग कर ले, अदरवाइज अमोनिया होगी तो बहुत बुरी स्मेल आएगी। तो इन 6-7 इंग्रेडिएंट्स का ये फायदा। और सबसे बड़ा जो एलोवेरा इसके अंदर है, इट कंटेन्स अराउंड 40% ऑफ द एलोवेरा। तो 40% ऑफ एलोवेरा अगर इसके अंदर है तो इमेजिन करिए आपके मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट कितना अच्छा होगा। तो ये सारे हर्ब्स मिलके इतना शानदार इफेक्ट दे देते हैं, हर्ब्स ने प्रोटेक्शन भी कर दिया। और अगर हेयर कलर जो आप पहले यूज़ करते हो अगर वो डैमेज भी करा है उसने आपके बालों में, तो उनको भी रिपेयर करते हैं। तो ये सारी हर्ब्स डैमेज को भी रिपेयर करती हैं और हेयर कलर को स्ट्रेंथन करती हैं। यानी नेचर और साइंस का एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। यस, यू कैन से दैट। थैंक यू सर आपकी जानकारी के लिए। माय प्लेजर। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह इंडस वैली जेल कलर हमारे बालों को सिर्फ कलर ही नहीं करता, उसे देता है एक शानदार मजबूती। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9717123456। अगर आपका कोई भी सुझाव या कमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इंडस वैली ब्यूटीफुल नेचुरली, सवाल आपका जवाब हमारे शो में। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।